दिल्ली एनसीआर में कोहरे ने टेंशन को बढ़ा दिया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम दिखाई दी है। तस्वीर रिपोर्ट के जरिए दिखा रहे हैं आपको। उत्तर भारत में कोहरे ने टेंशन बढ़ा दी है। सुबह के वक्त घना कोहरा देखने को मिला है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में दृश्यता काफी कम देखने को मिली है। दिल्ली हवाई अड्डे पर दृश्यता काफी कम देखने को मिली, जिसकी वजह से कई फ्लाइट्स में देरी हुई है। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की अब ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है और बीते दिन भी और आज भी जो है मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और साफ तौर पे सुबह के वक्त जो है घना कोहरा दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहा है और वहीं AQI लेवल भी अब लोगों के लिए परेशानी का सबक बनता हुआ नज़र आ रहा है। सुबह के वक्त अगर आप सड़कों पर देखेंगे तो किस प्रकार से विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी कम नज़र आएगी और जो भी वाहन इस समय सड़कों पर आपको चलते हुए नज़र आएंगे उनके लाइट्स जो है वो ऑन होंगे क्योंकि विजिबिलिटी कम है। ऐसे में वाहनों की रफ्तार जो है वो काफ़ी कम हो जाती है, 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार जो है उनकी बन जाती है, जो अमूमन ऐसी सड़कों पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। वहीं विजिबिलिटी अगर आप देखेंगे तो ये बताया गया है कि 200 मीटर से भी कम जो है अब लोगों को जो है इस समय जो है कोहरे के समय देखने को मिल रहा है और वहीं कई ऐसे इलाके हैं जहां का विजिबिलिटी जो है वो जीरो भी हो चुका है, यानी जीरो दृश्यता हो चुकी है, यानी कुछ लोगों को नज़र सुबह के वक्त नहीं आ रहा है। वहीं कई इलाकों की बात करें क्योंकि हवाओं की गति कम हो चुकी है और पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी की वजह से दिल्ली NCR के मौसम में जो है इस तरीके का बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो कई उड़ानें हैं वो भी प्रभावित हो रही हैं। सर्दी बढ़ने के साथ ही तापमान में भी गिरावट महसूस की जा रही है। सुबह के वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाकों का न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किया गया। कोहरे की वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी भी कम देखने को मिली है, जिसकी वजह से वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल हवाओं की गति धीमी होने की वजह से धुंध राजधानी में लगातार बढ़ रही है। सड़कों पर वाहन चलाने वाले गाड़ियों की लाइट्स ऑन करके चल रहे हैं। टोटल टीवी के लिए अजीत सिंह की रिपोर्ट।